नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि एक्सप्रेस। में हूं आपके साथ बुशरा। और सबसे पहले खबर की बात करेंगे, जहां उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में बजट सत्र आहूत किए जाने को लेकर सियासत गरमाई हुई है। दरअसल पिछले कुछ सालों की तरह इस साल भी पूर्णकालिक बजट सत्र गैरसैंण में आहूत होने की संभावना थी, लेकिन इसी बीच न सिर्फ विपक्ष के विधायक बल्कि सत्ता पक्ष के भी अधिकांश विधायकों ने ठंड का बहाना लेकर विधानसभा अध्यक्ष को पत्र भेजा कि देहरादून में ही विधानसभा सत्र आहूत किया जाए। अब वही बजट सत्र को देहरादून में कराए जाने को लेकर कैबिनेट ने भी अपनी मोहर लगा दी है। अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान सामने आया है। मीडिया से मुखातिब होते हुए सीएम धामी ने कहा कि सरकार ने बजट सत्र को देहरादून विधानसभा में करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी दलों के विधायकों की तरफ से विधानसभा अध्यक्ष और सरकार से आग्रह किया गया है कि बजट सत्र को देहरादून विधानसभा में कराया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि क्योंकि कुछ विधायकों की तबीयत भी खराब है और व्यवस्थाएं भी एकाएक पर्याप्त नहीं हो पाती हैं, ऐसे में देहरादून विधानसभा में बजट सत्र कराए जाने का निर्णय लिया गया है। जल्द ही तारीख का ऐलान कर दिया जाएगा। सभी दलों के विधायकों ने भी माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी को और मुझे भी लिखित रूप में भी दिया था और मिलकर भी उन्होंने कहा था, क्योंकि अभी वहां पर कुछ लोग बीमार भी हैं और सभी लोगों के लिए एकाएक थोड़ा सा व्यवस्थाओं की कभी कमी हो जाए, इसके कारण से सब लोगों ने अनुरोध किया था। ये निर्णय हुआ है कि सत्र यहीं पर होगा। उत्तराखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने राज्यसभा सांसद के लिए नामांकन दाखिल कर दिया है। इस मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी, हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक और राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी, कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत के साथ ही बीजेपी के वरिष्ठ मौजूद रहे। उत्तराखंड राज्य की राज्यसभा सीटों में से एक राज्यसभा की सीट 2 अप्रैल को खाली हो रही है, जिस पर वर्तमान समय में बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी काबिज हैं। खाली हो रही राज्यसभा सीट के लिए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को राज्यसभा प्रत्याशी नामांकित किया गया है, जिसके बाद गुरुवार यानी कि आज विधानसभा पहुंचकर महेंद्र भट्ट ने राज्यसभा के लिए अपना नामांकन भर दिया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि उनके लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि राष्ट्रीय नेतृत्व ने उन पर भरोसा जताया है, ऐसे में वो अपने राष्ट्रीय नेतृत्व साथ ही सभी विधायकों का आभार व्यक्त करते हैं। भट्ट ने कहा कि जो उम्मीद राष्ट्रीय नेतृत्व ने उन पर जताई है, उन उम्मीदों पर वो खरा उतरने की कोशिश करेंगे, साथ ही प्रदेश से जुड़े तमाम मुद्दों को उठाने का काम करेंगे। मित्रों, ये दायित्व एक कार्यकर्ता को दिया है और मैं देवभूमि के सीमांत क्षेत्र का कार्यकर्ता होने के नाते उत्तराखंड की देवप्रिय जनता को विश्वास दिलाता हूं कि जिस भाव के साथ नेतृत्व ने मुझे दायित्व दिया है, मैं प्रयास करूंगा देवभूमि के सारे विषय जो विषय की सदन के उस मंच पर रखे जा सकते हैं उनको रखकर और राज्य के विकास के लिए मैं भी एक सहायक के रूप में दिखाई दूं। वैसे तो हमारे प्रधानमंत्री के हृदय में उत्तराखंड वास करता है। अभी तक उत्तराखंड के लिए जितनी भी योजनाएं हुई हैं वो अपने आप में कीर्तिमान स्थापित करती है। महेंद्र भट्ट जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। महेंद्र भट्ट जी और हमारा बहुत ही पुराना संबंध है। महेंद्र भट्ट जी युवा मोर्चा के अध्यक्ष थे, मैं उनके साथ महामंत्री था। मैंने महेंद्र जी के कामकाज को बहुत नज़दीक से देखा है, उनकी कार्यकुशलता को बहुत नज़दीक से देखा है। उनके अंदर बहुत ही संगठन की क्षमता के साथ साथ प्रशासनिक क्षमताएं भी हैं और निश्चित तौर पे महेंद्र भट्ट जी का जो कार्यकाल है वो अद्भुत होगा। केंद्रीय नेतृत्व ने जो माननीय महेंद्र भट्ट जी के नाम का राज्यसभा के लिए चयन किया, मैं केंद्रीय नेतृत्व का माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं और ये हम सब लोगों के लिए, उत्तराखंड के सभी कार्यकर्ताओं के लिए बहुत ही मैं कहूं उत्साह प्रोत्साहन और गौरवान्वित करने वाला पल है कि हमारी पार्टी में एक बहुत नीचे से आए हुए कार्यकर्ता जो सामान्य परिस्थितियों में जिन्होंने समाज का काम पार्टी का काम शुरू किया, वैसे ही हमारे
महेंद्र भट्ट जी हैं जिन्होंने एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारा संवाददाता सुनील राज हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, राज्यसभा के उम्मीदवारों के नामांकन का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है, खुद मुख्यमंत्री भी नामांकन दाखिल कराने के लिए पहुंचे, क्या इससे जुड़ी अधिक जानकारी आपके पास सुनील? जी सुनील, तो ऐसे में बीजेपी ने एक चौंकाने वाला फैसला लिया है। इसमें भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को राज्यसभा प्रत्याशी घोषित किया है और आज उन्होंने नामांकन भी दाखिल कर लिया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम और राज्यसभा के सांसद अनिल बलूनी सहित सभी सांसद और विधायक मौजूद थे। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने सभी का आभार व्यक्त किया, खासतौर पर केंद्रीय नेतृत्व का। उन्होंने कहा है कि जो भरोसा उन पर केंद्रीय नेतृत्व और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जताया है उस पर वह खरा उतरने की कोशिश करेंगे, लेकिन इसको दूसरे चश्मे से देखने की जरूरत है। इसलिए क्योंकि जो ये फैसला लिया गया है केंद्रीय नेतृत्व द्वारा, ये कहीं ना कहीं युवाओं को तवज्जो देता है। महेंद्र भट्ट खुद 52 साल के हो गए हैं। ऐसे में अब आने वाले दिनों में जो लोकसभा का चुनाव होगा उसमें युवा चेहरों को और नए चेहरों को तवज्जो बीजेपी दे सकती है। कुल मिलाकर मौजूदा सांसदों कई मौजूदा सांसदों के टिकट कटने तय माने जा रहे हैं, इसलिए कि कई उम्र के पड़ाव से ज्यादा उम्र जिनकी ज्यादा हो रही है, चाहे वो 75 साल से ऊपर हो या फिर कई सांसद ऐसे हो जो तीन बार लगातार रखा है कि भाई जो तीन बार सांसद होगा और जिसकी उम्र 70 होगी और जिसकी ज्यादा नहीं होगी तो चर्चाओं में हल होगा इस मामले में कि वो विकास नहीं कर पा रहा है और विकास नहीं उसने इन 5 सालों में किया है, तो इन मानकों पर जो सांसद खड़ा नहीं उतरा है उनका टिकट भी कर सकता है। तो ऐसे में अब नए चेहरों को जो तवज्जो देगी उसमें आने वाले दिनों में हमें देखने को मिलेगा कि बीजेपी के भीतर भी सुरक्षापल की स्थिति इस मायने में पैदा होगी कि कई दावेदार अभी से खड़े हो गए हैं। टिहरी लोकसभा सीट की बात करें तो टिहरी लोकसभा सीट पर 7 नए दावेदारों ने दावेदारी पेश की है। वैसे ही हरिद्वार में है, वैसे ही नैनीताल सीट पर है, वही अल्मोड़ा, खाली एक अल्मोड़ा की सीट ऐसी है जो अनुसूचित जाति की सीट है, कुल मिलाकर आरक्षित सीट है, तो उस पर केवल अजय टमटा के अलावा केवल जो राज्य में कैबिनेट मंत्री है रेखा आर्या वो ही उस पर दावा कर रही है। इस सीट पर ज्यादा दावेदार नहीं है, लेकिन सभी सीटों पर लगभग 4 से 5 दावेदार है, जबकि टिहरी लोकसभा सीट पर 7 दावेदार हैं। तो ऐसे में अगर लोकसभा सीट में नए चेहरों पर दाव बीजेपी खेलती है तो आने वाले दिनों में हमें ये देखने को मिलेगा कि बड़े पैमाने पर बीजेपी में विद्रोह की स्थिति भी पैदा हो सकती है। जी जी, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए सुनील। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। खबरों में बढ़ते हैं आगे, अगली खबर आपको बता रहे हैं जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कतर से सकुशल वापस लौटे नौसेना के पूर्व अधिकारी सौरभ विशिष्ट को सम्मानित कर शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने बुधवार को देर रात विशिष्ट के टर्नर रोड स्थित आवास पर जाकर उनके परिजनों से मुलाकात की और उनकी खुशी में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सौरभ की सकुशल रिहाई विश्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत की बढ़ती ताकत की पहचान है। यही नहीं, उनकी रिहाई मोदी है तो मुमकिन है का स्पष्ट उदाहरण भी है। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सौरभ वशिष्ठ लंबे समय के बाद तमाम मुश्किलों का सामना कर वापस घर लौटे हैं, उनके परिवार के लिए ये अवसर दीपावली जैसा है। मुख्यमंत्री ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार और धन्यवाद ज्ञापित किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री देशवासियों और विदेशों में रह रहे प्रवासी सभी भारतीयों को परिवारजन कहते हैं और सभी का मुखिया की तरह ध्यान भी रखते हैं। ये मौत की सजा का सामना कर रहे कतर से सौरभ वशिष्ठ की सकुशल वापसी का सबसे बड़ा उदाहरण भी है। उन्होंने कहा कि मोदी के कुशल नेतृत्व पर उनके परिवार के साथ स्वयं उन्हें भी
पूरा भरोसा तर में फंसे सभी 8 लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौत के मुंह से जरूर वापस लाएंगे। देखिए हम सब लोगों के लिए ये एक बड़ी दिवाली जैसा है कि इतने लंबे समय के बाद और बहुत मुश्किलों से निकल कर आए हम। हमारे प्रधानमंत्री जी का बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ अपनी तरफ से, सौरभ जी की तरफ से, उत्तराखंड के सभी लोगों की तरफ से, उनके परिवार की तरफ से, कि प्रधानमंत्री जी सबको जो केवल परिवारजनों कहते ही नहीं हैं, बल्कि हर एक मुसीबत के समय में, परेशानी में, देश में, विदेश में, जो भी हमारे भारतीय हैं उनकी चिंता परिवार के अभिभावक की तरह करते हैं। भरोसा दिया और बताया कि मोदी साहब की ये मेहनत, उनका जो प्लान सक्सेसफुल हुआ और उन्हीं की बदौलत आप लोग आए, उनको बहुत ही खुशी हुई और हमें तो बेहद खुशी, बेहद खुशी और खुशी इस बात की कि आज हमारे गरीब खाने में आए और हमें एक बड़ी बधाई का ओर देंगे और दिलासा दिलाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने कैबिनेट सहयोगियों के साथ 2 फरवरी को अयोध्या दौरे पर जाने वाले थे, लेकिन बाद में उन्होंने अपना दौरा रद्द कर दिया था। अब अयोध्या दौरे को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि वह अपनी कैबिनेट के साथ जल्द ही श्री रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके पहले 2 फरवरी को अयोध्या में श्री रामलला के दर्शन करने का कार्यक्रम तय किया गया था, लेकिन अयोध्या में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए इसे आगे कर दिया गया। वर्तमान में रूपरेखा तय की जा रही है, जल्द ही पूरी कैबिनेट के साथ अयोध्या दर्शन के लिए जाएंगे। को फरवरी को हमारा जाने का पहले कार्यक्रम बना था पूरी कैबिनेट के साथ, बीच में क्योंकि बहुत ज्यादा श्रद्धालुओं की वहां पर संख्या होने के कारण हम सब लोगों ने तय किया कि किसी भी श्रद्धालु को वहां पर, राम भक्त को, हम लोगों की वजह से कोई परेशानी न हो, इसलिए सब लोगों ने तय किया कि थोड़ा वहां पर स्थिति सामान्य हो जाएगी, जब सामान्य रूप से दर्शन प्रारंभ हो जाएंगे तो हम जाएंगे। तो अब आगे की 2-3 तिथियां आई हैं, उन 2-3 तिथियों में से किसी भी तिथि में जिस दिन भगवान राम बुलाएंगे उस दिन हम सब पहुंच जाएंगे। उत्तराखंड के 4 धामों में से एक बद्रीनाथ धाम मंदिर में कपाट खुलने की तारीख का ऐलान हो चुका है। इसके साथ ही अन्य धामों के कपाट खुलने की तारीखों का भी जल्द ऐलान हो जाएगा। वहीं 4 धाम यात्रा को लेकर सरकार ने तैयारियों पर जोर देना शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि बद्रीनाथ के कपाट खोले जाने की तारीख का ऐलान हो चुका है, ऐसे में 4 धामों में व्यवस्थाओं को लेकर इस बार सरकार कई पहलुओं पर काम कर रही है। 4 धामों में आने वाले श्रद्धालुओं को पर्याप्त व्यवस्थाएं मिल सके, किसी भी प्रकार की कमी ना हो, इसको लेकर सरकार अभी से ही तैयारियों में जुट गई है। बाईस की यात्रा से जो हमने अनुभव प्राप्त किए, जो उसमें सुधार करने थे, वो सुधार 2023 में करने का भरसक प्रयास किया गया है। 2023 की जो यात्रा हुई है, क्योंकि एक बड़ी संख्या में यात्रा हुई है और जो अनुमान है, हर वर्ष यात्रा की जो संख्या है वो बढ़ने वाली है। आने वाले समय में ये करोड़ों की संख्या में ये यात्रा पहुंचेगी, अभी 56 लाख तक पहुंची है। तो उसके अनुरूप ही सारी जो अवस्थापना सुविधाएं हैं, आवास की, परिवहन की, आने जाने की, पार्किंग की, पेयजल की, उन सब पर हम लोग एक फोकस कर रहे हैं। देहरादून में कांग्रेस पार्टी ने 36 माइक्रोन पॉलिथीन के इस्तेमाल को लेकर सवाल उठाया है। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि उत्तराखंड में आबकारी विभाग 36 माइक्रोन पॉलिथीन का इस्तेमाल होलोग्राम के लिए कर रहा है, जबकि पर्यावरण मंत्रालय इस पर रोक लगा चुका है। ऐसे में उत्तराखंड आबकारी विभाग किसकी शह पर 36 माइक्रोन पॉलिथीन का इस्तेमाल होलोग्राम के तौर पर कर रहा है, ये बड़ा सवाल है। जिस तरह से लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंगल यूज प्लास्टिक की रोकथाम की अपील की है, आखिर उस पर क्यों अमल नहीं किया जा रहा? क्यों डबल इंजन की सरकार देवभूमि उत्तराखंड को खतरे की जद में धकेल रही है? देश के प्रधानमंत्री ने स्पीच 1 करोड़ 40 लाख लोगों को दी।
FL2 को जो सरकार ने प्राइवेट हाथों में देने का निर्णय किया है और पर्वतीय क्षेत्रों से लेकर पूरे प्रदेश में जिस तरीके की शराब के मॉल्स खोलने की बात कही है और लाइसेंस की जो नीति तय की है, निश्चित ही हम उसका विरोध करते हैं। और ये भी कहते हैं कि देवभूमि को आप शराब में डुबाने की कोशिश कर रहे हैं। जो उत्तराखंड राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारियों ने राजधानी देहरादून के परेड ग्राउंड में हजारों की संख्या में सचिवालय कूच किया, जहां पुलिस ने बैरिकेड लगाकर कर्मचारियों को पहले ही रोक लिया गया। वहीं इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष सुशीला खत्री ने बताया कि सरकार से अनेकों दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन अब तक ठोस निर्णय निकालकर सामने नहीं आया है। ऐसे में प्रदेश की तमाम आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सड़कों पर उतरी हैं और हमारी मांग है कि सरकार हमारी वेतन वृद्धि करे, साथ ही प्रदेश के तमाम आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को राज्य कर्मचारी घोषित किया जाए। ऐसे में लोकसभा चुनाव भी नजदीक है और चुनाव के दौरान तमाम आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगाई जाती है, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष सुशीला खत्री ने कहा कि अगर सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है तो हम लोकसभा चुनाव का भी बहिष्कार करेंगे। वृद्धि की है और हमें राज्य कर्मचारी घोषित किया जाए और पूरे प्रदेश में जो हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, लगभग 35,000 आंगनवाड़ी वर्कर हैं और सरकार की जो भी योजनाएं चलती हैं वो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा ही धरातल पर उतारी जाती हैं, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो, शहरी क्षेत्र हो या मलिन बस्तियां हो, उसमें हमारी सारी जो आंगनवाड़ी बहनें हैं वो अपनी सेवाएं दे रही हैं और बहुत ईमानदारी से वो काम करती हैं। और इसी के साथ बुलेटिन में बताएं, कुछ और खबरों के लिए देखते रहिए।